તો હાલના મહત્વના સમાચાર મોહન ભાગવત અત્યારે હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ તેઓને. लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है. लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए. गोलमोल नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है. तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट और शासन, प्रशासन, समाज, नेतृत्व, कार्यकर्ता, इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए. ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है, क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है. कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है, और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है. यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है. लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है. तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है. मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो, खाई हो, कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा. ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे. तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है. लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की, अपने आत्मा की ये जानकारी, ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो. क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है. उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है. तो परस्पर समझदारी, विश्वास का भी वातावरण बनता है. और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है. तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है, और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है. प्रत्येक व्यक्ति के और सामूहिक रूप से हमारे समाज के राष्ट्रीय चरित्र का ये महत्व का घटक है, सहचित्तता. इसलिए हमारे संगठन मंत्र में उसको स्थान है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनस सहचित्त मेशाम, समानम मंत्र अभिमंत्र मेवा. सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय, यानी सहचित्तता, इसको बताया है. उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है. और जैसा मैंने कहा, चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है. दो प्रकार की बातों से साधारणता सावधान रहना पड़ता है. पहली बाधा तो हम खुद रहते हैं, गतानुगतिकता स्वभाव की वो बाधा उत्पन्न करती है, रूढ़ी प्रियता के कारण वो बाधा आती है. समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त तो होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है. लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती है, और उसके अनुसार चलना तो है,